देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। भारत का मिडिल क्लास आज बजट को सुन रहा था, लेकिन हमारी वित्त मंत्री चूंकि बजट को अंग्रेजी में पढ़ रही थी, तो मिडिल क्लास जो बजट सुन रहा था उसके मिडिल में अगर कहीं भी गलती से कोई भारी भरकम अंग्रेजी का शब्द टकरा गया तो मिडिल क्लास का फ्लो वही टूट गया था। उसके बाद भी मिडिल क्लास ने हार नहीं मानी और टीवी पर चल रही फैंसी पट्टियों में हिंदी के शब्दों के बीच बजट को समझने की कोशिश की, लेकिन दो घंटे की कोशिश के बाद मिडिल क्लास अपने काम पर वापस लौट गया। बस चैनल चैनल की बात है, बस राजनीतिक पार्टी पार्टी की बात, क्योंकि बजट कहीं इतना अच्छा है जैसे मिडिल क्लास को रसमलाई मिल गई हो, तो कहीं इतना बुरा है कि मानो करेला पकड़ाया गया हो। पूरे बजट का सच तो यह है कि कुछ सस्ता हुआ है तो कुछ महंगा, लेकिन हर बार की तरह चमड़ा, जूता, चप्पल, पंखा, फोन का चार्जर, चटाई, मैट और तो और विदेशी छातों पर रेट को लेकर चर्चा कर ली गई। ऐसा लगता है मानो सच में सुई से लेकर सिंचाई वाले पंप तक के रेटों को बजट उसमें बताया गया हो। लेकिन क्या सच में कासगंज के कासिम, वडोदरा के विनोद, झबुआ के छालाराम या फिर मोतिहारी के मोहन की बात हुई है? सच तो दरअसल ये है कि कासिम, विनोद, छालाराम और मोहन को पता भी नहीं होगा कि बजट क्या है, कब आता है, कब जाता है, सूटकेस कब टैबलेट हो गया है। इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता होता कि इनकी जेब का बजट क्या है। अब उन्हें क्या मतलब कि विदेशी छाते का दाम बढ़ गया है या घट गया है। आज एंकर और एंकराएं बजट को लेकर चर्चा कर रही हैं, लेकिन यह चर्चा किसी मॉल में जाकर क्यों की जा रही है समझ से परे है। यह चर्चाएं शानदार कॉम्प्लेक्स में बैठकर क्यों की जा रही हैं समझ से परे है। यह चर्चाएं एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए क्यों की जा रही हैं समझ से परे है। लेकिन आज का बजट समझाने के लिए हमने किसी विशेषज्ञ को नहीं बुलाया। पिछली दफा बुलाया था, इस दफा नहीं बुलाया, क्योंकि बुलाकर कोई फायदा भी नहीं है। मसलन आज का बजट दिखाते समय काश हम सब ये भी सोच लें कि पुराने बजट का क्या होगा। पिछली दफा भी तो बजट आया था, मैंने यही पढ़ा था, विशेषज्ञ भी बाजू में बैठे थे, खूब पट्टियां चलाकर उसको पढ़ा था, लेकिन उस बजट का क्या हुआ? क्या उस बजट का टारगेट पूरा कर लिया गया या नहीं, इस पर चर्चा ही नहीं हुई। क्या निर्मला सीतारमण ने साल 2022 तक BPCL, एयर इंडिया, IDBI, SCI, CCI, BEML, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम के निजीकरण की बात कही थी? इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को शेयर बाजार में उतारे जाने की घोषणा की थी। विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन यह टारगेट अब तक पूरा नहीं हो पाया। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई जैसा कि पिछली दफा कहा गया था? हुई कि नहीं? और शहर और गांव में 6 करोड़ मकान बने थे, 6 करोड़ मकान, अब 80 लाख मकान बनाने का टारगेट अलग दे दिया गया है। तो ये क्या है? क्या पिछली दफा वाले मकान पूरा हो पाए या नहीं हो पाए, इसको लेकर मैंने सोचा आम लोगों को जोड़ूंगा, लेकिन जब आम लोगों को जोड़ा तो उन्होंने कहा कि चुपचाप इस बजट को मान लीजिए साहब, क्योंकि अगर चार्जर महंगा हुआ है, अगर चार्जर सस्ता हो जाता तो वो क्या कर लेते, अगर विदेशी छाता जो महंगा हुआ है अगर वो सस्ता हो जाता तो वो क्या कर लेते। मानना तो है ही है। और पाषाण काल से लेकर, अगर बिल्कुल स्पेसिफिक और स्पष्ट कहूं तो 1950 से लेकर आज तक जिस सरकार ने बजट पेश किया है उसके लिए यह बजट हमेशा प्रशंसनीय रहा है, और जो विपक्ष में होते हैं उनके लिए हमेशा निराशाजनक रहा है, हमेशा। और जनता के लिए 1950 से लेकर आज तक यह सिर्फ झेलनीय बजट रहा है। तो ऐसे में चुपचाप इस बजट को मान लीजिए, ऐसा मुझसे एक जनता से जब मैंने सवाल किया तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि चुपचाप साहब इस बजट को मान लीजिए, वरना अगर सरकार कहीं जिद पर आ गई तो 200 करोड़ रुपए का विज्ञापन ये बताने में खर्च कर देगी कि ये बजट बहुत अच्छा है। खैर, इसको लेकर आज छोटी सी एक चर्चा कर लेते हैं, ऊपरी ऊपरी चर्चा करेंगे, ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाएंगे कि क्या सस्ता, क्या महंगा, किसको क्या फायदा, किस क्या का नहीं, क्योंकि पिछली दफा भी बहुत की थी। पिछली साल 1 फरवरी 2021 को बहुत चर्चा की थी, लेकिन उसका कुछ निकला नहीं, हल नहीं निकला उसका। मसलन क्या तरीका है ये कि एक तारीख स्पष्ट कर दी जाए और उसने इतना बड़ा इवेंट बनाया जाए और बजट पेश होगा का नाम दिया जाए और यह बताया जाए कि चार्जर आज सस्ता हो गया है, विदेशी छाता आज महंगा हो गया है, चमड़ा, जूता, चप्पल, बेल्ट और बनियान का क्या रेट है यह बताया जाएगा। और जबकि पूरे साल भर महीने दर महीने ये चीजें बढ़ती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं, पेट्रोल डीजल के दाम रात में सोते हैं सुबह कुछ और मिलते हैं, सुबह जब काम पर निकलते हैं शाम को आते वक्त पेट्रोल डलाते हैं तो कुछ और निकलते हैं, तो ऐसे में क्या बात करें। तो इसलिए आज बात नहीं करेंगे, लेकिन ऊपरी ऊपरी बात करेंगे और दो नेताओं को जोड़ेंगे, एक तो जोड़ेंगे बीजेपी को और दूसरा जोड़ेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर राज किया है, कांग्रेस को, और इनसे जानेंगे कि ये जो निराशाजनक का बात आज बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, ये क्यों बोल रहे हैं। और सरकार तो खैर अपनी बात रखेगी, प्रशंसनीय बजट तो है ही, तो क्या ये लोग दिल पर हाथ रखकर ये बात बोल पाएंगे कि ये बजट जनता के लिए दरअसल झेलनी है। तो इसको लेकर हमारे साथ चर्चा में मेहमान जुटेंगे। आपको बता दूं कि हमारे साथ कांग्रेस से भूदेव शर्मा साहब होंगे,
और साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ संजय त्यागी साहब। तो बीजेपी से हमारे साथ है संजय त्यागी साहब और कांग्रेस से भूदेव शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आज बजट को लेकर भारत एट नाइन में चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी स्पष्ट सी बात है, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि इसमें, क्योंकि आप सरकार में हैं संजय त्यागी साहब, आपको तो सब अच्छा अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि 1950 से लेकर आज 2022 तक ऐसी कोई सरकार ही नहीं रही जिसने बजट पेश किया हो उसकी बजट की प्रशंसा उन्होंने खुद ना की हो। और भूदेव जी, आपको तो सब बेकार बेकार ही लगेगा, निराशाजनक बजट ही लगेगा, क्योंकि 1950 से लेकर आज तक कोई ऐसी सरकार ही नहीं लगी जो विपक्ष में रही हो और विपक्ष ने कभी बजट को निराशाजनक ना बताया हो। लेकिन मैं आज आपसे जानना चाहूंगा संजय त्यागी साहब, आप सच में बताइएगा मुझे कि जो आज बजट पेश हुआ, जूता, चमड़ा, बेल्ट, फोन का चार्जर, विदेशी छाता, महंगा हुआ, सस्ता हुआ, बाकी तमाम चीजें, लेकिन क्या आम जनता, जो आम लोग हैं, उनके जीवन में से क्या फर्क आने वाला है? इसको अगर आप समझा सके तो बड़ी आसान भाषा में समझा दीजिए ताकि लोग समझ जाए। देखिए, आम भाषा में बिल्कुल, मैं बिल्कुल साधारण तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और देश की जनता को भी समझाने का प्रयास करूंगा। आम, जहां तक आपने कविंद्र भाई आम व्यक्ति की बात की, आम व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक, इसमें, इस बजट में सबसे बड़ी अच्छी खूबी की बात यह है कि इसमें नौजवानों का ध्यान रखा गया है, इसमें किसानों का ध्यान रखा गया है, इसमें आवास का, पीएम आवास योजना के अंतर्गत सस्ते मकानों का ध्यान रखा गया है। इसमें कोई वर्ग ऐसा नहीं है कि जिसका इसमें ध्यान नहीं रखा गया। देखिए, छोटे बड़े शहरों में 80 लाख मकानों पिछली, की पिछली बार जितने आवास पिछले वाले बजट की, पिछले वाले बजट में बकायदा हमने स्टूडियो में विशेषज्ञ बैठाए थे, बातचीत की थी, इस बार नहीं बैठाए, क्योंकि पिछली बार जितने आपने आवास कहे थे, पहले आप वो बताइए कि वो टारगेट पूरा हुआ, तब अगले बजट पर आएंगे। बिल्कुल, पिछली बार देखिए ऐसा था, पीएम आवास योजना में हमारे 27,500 करोड़ रुपए का प्रावधान था और इस बार हमने उसको बढ़ा करके 48,000 करोड़ किया है। नहीं, जितने आवास दे रहे थे, ठीक है, ये तो आपका वो हो गया कि आपका इतना इतना फंड है, आपने इतना फंड रिलीज करना है, लेकिन क्या आपने जो पिछला फंड रिलीज किया था उस फंड को, जो कन्वर्ट होकर अगर आगे एक ननकू, रज्जाक, शिवम या फिर किसी को भी एक घर के रूप में मिलना था, वो आपका पूरा टारगेट हो गया था? जी, पक्की बात, नक्की, बिल्कुल टारगेट, जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप तथ्य के साथ मैं बता देता हूँ, शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास सब्सिडी के अंतर्गत, डूडा के अंतर्गत लाभार्थियों को दिया गया और देहात क्षेत्र में ब्लॉक के अंतर्गत पीएम आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए सब्सिडी 2,67,000 रुपए के रूप में दी गई। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने आवास आपने, जितना फंड रिलीज किया था, जो कन्वर्ट होकर आवास में मिलना था, वो हो गया, आपने सक्सेसफुली उसको अचीव कर दिया उस टारगेट। बिल्कुल, और उसी को देखते हुए इस बार, पिछली बार 27,500 करोड़ रुपए का प्रावधान था, इस बार उसको बढ़ा करके 48,000 करोड़ रुपया किया गया। ठीक है, किसानों का एमएसपी उनके खाते में डायरेक्ट जाएगी, अब कोई बिचौलिया नहीं, बीच में कुछ नहीं। बिल्कुल, 77 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, 2,70,000 करोड़ रुपए से भी अधिक एमएसपी की घोषणा। ये सबसे संजय साहब, फिर भूदेव जी आप ही के पास आ रहा हूं, संजय साहब, ये सबसे ऐतिहासिक बजट है ना आज तक का इतिहास का? जी बिल्कुल, इससे अच्छा बजट कभी नहीं बना। तबके को इसमें ध्यान, देखिए 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, व्यापारी, सभी को ध्यान में रख करके एक सम्मानजनक और एक उत्साह बढ़ाने वाला, देश का उत्साह बढ़ाने वाला ये बजट। ठीक है, मतलब 2014 से जितने भी बजट आ रहे हैं, जितने भी बजट आ रहा है, जो आम बजट आ रहे हैं, वो सब मतलब देश के लिए उससे अच्छा बजट कभी आया ही नहीं उससे पहले। बिल्कुल नहीं, उससे पहले जब बीजेपी सरकार आई थी तब आया होगा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जमाने पर आया था। देखिए ऐसा है, बजट तो इस देश में, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिक्र करेंगे तो बजट में आपने देखा होगा कविंद्र भाई, एक समय ऐसा था कि सेना के जनरल को, देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ा था कि कारतूस खरीदने के लिए भी फंड नहीं था। ठीक है, अच्छा, लोग अगर आप देख रहे हैं सेना का बजट अपने ऐतिहासिक स्तर पर है। ठीक है,
अगर लोग ज्यादा पूछेंगे बजट में क्या है क्या है क्या है, तो ऐसी टीका टिप्पणी चल रही है सोशल मीडिया के जरिए कि आप फिर विज्ञापन के जरिए समझाने लगेंगे कि बजट कितना अच्छा है। देखिए, हम विज्ञापन के जरिए, ये विज्ञापन देना, विज्ञापन के जरिए समझाना कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि प्रदेश की और देश की जनता तक ये जानकारियां जानी चाहिए। कविंद्र भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग का और विकास करने के लिए 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार भी इसी प्रावधान में है। ठीक है, चलिए भूदेव शर्मा साहब, अब जल्दी से शुरू हो जाइए और बताइए कि कितनी खामियां हैं, कितना निराशाजनक है और कितना गलत ये बजट है। देखिए काविंद्र जी, इसको तो अब पूरा देश भी जानता है और सभी लोग ही जानते हैं कि ये जो सरकार है वो डबल ए की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। आप अगर बजट को देखोगे तो इसमें भूदेव जी आप मेरे को इंटरप्ट करना पड़ जाएगा थोड़ा। नहीं काविंद्र जी, मेरी बात होते ही नहीं थी, आपने शुरू होते ही अडानी अंबानी का नाम क्यों ले रहे हैं? अडानी अंबानी 2014 के बाद थोड़ी ना बने। अडानी अंबानी के साथ तो सोनिया गांधी जी भी मिलती जुलती रही है। काविंद्र जी, ये जो देखिए उद्योगपतियों की सरकार है, मैं ये बताना चाहता हूँ और पता देश के लोगों को ये जानना भी चाहिए। और तो देश को पता है, अडानी अंबानी 2014 से पहले आलू की ठिलिया थोड़ी ना लगाते थे, सबको पता है। अडानी अंबानी अभी भी आलू की ठेली नहीं लगा रहे, लेकिन पहली जो सरकार थी वो बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पास करती थी। उसमें गरीबों का भी ध्यान रखा जाता था, तब भी वो अमीर होते चले, तब भी वो अमीर होते चले, किसानों का भी, मजदूरों का भी, हर किसी वर्ग का ध्यान रखा जाता था। लेकिन अब क्या है, अब बजट केवल उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जा रहा है। आज एक ऐसे समय में जब पूरा देश एक कोरोना महामारी से गुजर रहा है और करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धोया है, देश के 90% लोगों की आय कम हुई है, तो मैं संजय त्यागी जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उन मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए कोई विशेष प्रावधान किया है, जिन लोगों ने इस कोरोना के समय या कोरोना से पहले से ही अपनी नौकरी से हाथ धोया और आज जिनकी जो इनकम थी वो कम हो गई? महंगाई को लेकर के महंगाई कंट्रोल करने को लेकर के कोई प्रावधान किया गया है क्या? क्या मध्यम वर्ग के लिए कोई ऐसा विशेष प्रावधान है जिससे उसकी जो इनकम कम हुई है लेकिन उसके खर्चे बढ़े हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रावधान किया गया हो? इनके बारे में आप बताइए ना। ये केवल और केवल बजट उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आज उनको मध्यम वर्गीय परिवार हो या फिर एक निम्न वर्गीय परिवार तो खैर टैक्स देते नहीं। अरे ये आप ठीक है, थोड़ा मध्यम वर्गीय परिवार को जिनकी इनकम कम हुई है। भूदेव जी आरोप प्रत्यारोप तो आप लगाएंगे, इसमें क्या, इसमें नया क्या है? आरोप प्रत्यारोप तो आप लगाएंगे, इसमें नया क्या है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आपकी सरकार में भी ऐसा थोड़ी ना था कि आम बजट आता था तो आम बजट में ये लिखा होता था कि गरीब को पकड़ कर आपकी सरकार में ऐसा थोड़ी ना था कि गरीब को पकड़ कर खाना खिलाओ, ये थोड़ी ना आम बजट में आप लिख देते थे? नहीं था ना? गरीबों के लिए गरीबों को पकड़ के खाना नहीं खिलाया जाता, लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि सभी वर्गों को एक उचित फायदा मिलना चाहिए बजट से। सरकार का एक समाजवादी लोकतांत्रिक जो भी देश होते हैं, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य देश में सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन आप ये बताइए कि इसमें मध्यम वर्गीय परिवार को क्या राहत दी गई, निम्न वर्गीय परिवारों के लिए क्या क्या आपकी काम किया गया, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या विशेष योजना लाई गई, नहीं मजदूरों के लिए, किसानों के लिए क्या इस बजट में किया गया, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या इस बजट में प्रावधान किए गए। अरे मेरे दुर्भाग्य की बात है, मैं बजट सुन रहा था कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद टेबलों को ठोक रहे थे इस बात को लेकर के भी। मतलब ये देखिए क्या चल रहा है, मतलब इस बात के लिए बिल्कुल परेशान होने वाली बात है कि जिस बात के लिए एक शर्मिंदगी वाली बात है और आप उसी बात पर टेबल ठोक रहे हो। आप मतलब देश के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, उद्योगपतियों की सरकार है और ये आज इस बजट से मतलब ये बेवकूफ बनाना बंद करें, ये बेवकूफ बनाना बंद करें, दूसरा कौन बेवकूफ बना है? हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज देश का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जो नजर गड़ाए बैठा था कि बजट में उनके लिए कोई प्रावधान होगा, क्योंकि हम एक ऐसी महामारी से गुजरे हैं जिसमें हर वर्ग को जरूरत है कि सरकार भूदेव साहब थोड़ा ठहरिए, एक बात समझिए, आपकी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जो ये बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए ये चीज़ों से निकल के सामने आती है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज, 10 लाख करोड़ का पैकेज, 5 लाख करोड़ का पैकेज, ये आम बजट में, ये जूता चप्पल अंगूठी स्याही, ये महंगा सस्ता,
गरीब की थाली में अगर रोटी नहीं जा रही, गरीब की थाली में अगर 2 रुपए का अनाज नहीं जा रहा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको लेकर आप बिल्कुल वही इसी को लेकर के तो मैं आपको कावेंद्र जी बताना चाहता हूँ, संजय तिवारी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उस मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार के लिए बजट में क्या प्रावधान किए। चलिए आपको ये बताना चाहिए ना, आपने कहा कि उनकी थाली में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो आपने आप उनके रसोई तक घुस गए कि आप सिलेंडर संजय जी आप ही के पास आ रहा हूँ। भूदेव शर्मा साहब आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, आप क्योंकि इस चीज को जानते हैं लेकिन अभी बोलेंगे नहीं, मैं हूं और आप हैं और संजय जी हैं, हम तीनों लोगों ने बजट को सुना है, देखा है, पढ़ा है, उसके बारे में सब कुछ है, लेकिन आप भूदेव साहब अपने बाहर निकलिएगा, अपने घर से नीचे निकलिएगा, जो भी 2-4 लोग आपको सब्जी लेते दिखे या जो भी लिखे, उनसे ये पूछिएगा कि आम बजट में आपको क्या मिला, वो ये बोलेगा ये कब आता है, कैसे आता है, कौन लेकर आता है, उसे ये भी नहीं पता होगा कि पहले सूटकेस से आता था कि अब टैबलेट से आता है, ये सच्चाई है। नहीं बिल्कुल ये सच्चाई है, लेकिन जब एक आम आदमी, जब देश का एक आम आदमी जब किसी भी चीज को खरीदने के लिए जाता है, जब वो उस पर देखता है कि मेरी इनकम तो नहीं बढ़ी लेकिन महंगाई बढ़ गई, तब ठीक है, ये ड्रामेबाजी है, ये ड्रामेबाजी है कि बजट नहीं है, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, अरे पेट्रोल और डीजल के दाम महीने में 4 दफा बढ़ जाते हैं और बताते भी नहीं, अभी नहीं बढ़ रहे ना भाई, तो बोल रहा आपकी सरकार से लेकर आज तक, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, रातों रात बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए बकायदा एक पूरा दिन की जरूरत थोड़ी ना, महंगाई अपने रिकॉर्ड, आप बताइए विदेशी छाता महंगा हो गया, विदेशी छाता महंगा हो गया, अब बताओ मैं क्या करूं, विदेशी छाता महंगा हो गया, मिडिल क्लास की भी बात हुआ तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना, कोई भी चीज हो, विदेशी चाहता हो या जूते चप्पल हो, हर चीज पे आप टैक्स लगाए जा रहे हो, है ना, आप देखिए कि हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है, नहीं आप रोकिए ना उसको, आप रोकने का प्रावधान क्यों नहीं करते हो, आप मेड इन इंडिया का नारा देते हो, आप खुद विदेश से बनी हुई गाड़ियों में घूमते हो, आप यहाँ से अच्छा एक सेकंड अरे रुकिए, अरे ये कहानी मुझे हमेशा सुनानी पड़ती है, ये कहानी मुझे हमेशा सुनानी पड़ती है, रुकिए भूदेव साहब और संजय त्यागी साहब, आप सीधा आप पर आ रहा हूं, लेकिन ये कहानी पता नहीं क्यों सुनानी पड़ जाती है, ये बड़ी तार्किक हो जाती है इसलिए सुनानी पड़ जाती है आपको, फिर आज सुना देता हूं एक बार, क्योंकि अभी आपने कहा कि ये मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं और विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, फिर मैं आपको कहानी कंप्लीट करूंगा, फिर आप संजय जी आपके पास आऊंगा, सबसे पहले ये है कि बचपन में मेरे दांत में कीड़ा लगता था, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने मान लिया मूर्तियों को भी बना सके, चाइना से आप चाइना करते हो, चाइना से मूर्तियां बनवा के ला रहे हो, विदेशी गाड़ियों में आप घूम रहे हो, ठीक है, 2014 से आप मेड इन इंडिया का नारा दे रहे हो, ठीक है, अपने देश के लोगों के पास रोजगार नहीं है, आपने उन्हें बेरोजगार बना दिया है। अब मेरी बात सुनिए आप बार बार कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया करते हैं लेकिन विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, ठीक है, पहली चीज। अब मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, फिर आपको बात बताऊंगा। बचपन में मेरे दांत में कीड़ा लग जाता था, बार बार कीड़ा लग जाता था, तो जो मेरे पिताजी थे वो लेकर गए डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, उसने कहा कि 15 दिन बाद लेकर आइएगा, 15 दिन बाद फिर मेरे पिताजी लेकर गए उसी डेंटिस्ट के पास, तो उस डेंटिस्ट ने मुझसे कहा कि भाई तुम ये जो गुड़ खाते हो ये गुड़ कम खाया करो, गुड़ खाते हो इस वजह से कीड़ा लग जाता है। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि इतनी ही सी बात करनी थी तो 15 दिन पहले कर लेते, तो उसने कहा कि भैया मैं भी तो गुड़ खाता हूँ, पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा और फिर मैंने ये बात बताई, तो आप जो बात बोल रहे हैं उससे पहले खुद करिए। आप सीधे ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं कि ये विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, अरे विदेशी गाड़ियों में आप भी घूमते हैं भाई, आप कौन सा बैलगाड़ी में घूमते हैं, आप कौन सा मेड इन इंडिया गाड़ी में घूमते हैं, आप भी विदेशी गाड़ी में, छोड़ रही बातों को, देखिए मेड इन इंडिया का नारा 2014 से दिया जा रहा है, ठीक है, आप उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उसका एक्सेप्ट, आप इटली की गाड़ी में घूम रहे हैं कि आज हम रेल इंजनों को बनाने के लिए विदेशों में ठेके दे रहे हैं, मूर्तियां विदेशों से बनवा के मंगवा रहे हैं, एक नहीं है देश के युवा बेरोजगार, छुट्टी मनाने भी तो इटली जा रहे हैं, वो छोड़िए ना, छुट्टी मनाने इटली जाने से क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है छुट्टी, अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हमेशा घूमते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनका तो यही नहीं पता, अरे घूमते रहते हैं, अफगानिस्तान नानी के घर थोड़ी ना जाते, अफगानिस्तान नानी के घर थोड़ी ना जाते, अरे रुकिए मेरा कहने का मतलब, नानी के घर नहीं जाते क्यों, नानी के घर जाने में दिक्कत है क्या, नहीं नानी के घर जाने में दिक्कत है क्या, देश के प्रधानमंत्री है क्या राहुल गांधी, ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना, ये सवाल देश के प्रधानमंत्री, राहुल गांधी नानी के घर क्यों जाते हैं, ये सवाल प्रधानमंत्री, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है क्या,
अरे भैया एक बात बताइए, 24 तारीख को राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि किसानों के समर्थन में हम हैं, इधर पूरा किसान खड़ा हो जाता है, मुजफ्फरनगर से दिल्ली के दरवाजों पर आ जाता है, और 25 तारीख को जब किसान कहता है राहुल गांधी जी कहाँ हैं, तो पता लगा राहुल गांधी जी तो इटली चले गए। अरे उस संदर्भ में बात कही है, छोड़िए राजेंद्र जी क्या बात करते हो आप। हाँ। देखिए ऐसा है कि अकेले राहुल गांधी जी किसानों के साथ जाकर के खड़े होंगे तभी ये माना जाएगा क्या? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ी है। आप गलत बोल रहे हैं, आप राहुल गांधी को कमतर आंख सड़क से लेकर संसद तक किसानों के बीच में खड़े होंगे तभी ये माना जाएगा कि राहुल गांधी जी खड़े हैं। मतलब राहुल गांधी पार्टी का आलाकमान की स्थिति में संसद में, संसद में सड़क से लेकर संसद तक अगर हम आवाज, आप क्लियर करिए ना कि राहुल गांधी महज, आप क्लियर करिए राहुल गांधी महज एक सांसद है, प्रधानमंत्री से पूछिए कुछ नहीं, राहुल गांधी एक सांसद है और कुछ नहीं है, बोल दीजिए खत्म करिए। चलिए संजय जी आपके पास आते हैं। संजय जी पहले तो आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, दिल पर हाथ रखकर कहिएगा कि 2014 के बाद से ही क्या जो आम बजट आया है वो इतना अच्छा आया है कि गरीब खुश है? ठीक है, दिल पर हाथ रखिए। रविंद्र भाई पहले तो मैं जो हमारे कांग्रेस के या फिर लॉलीपॉप वाले विजुअल है मेरे पास वो लगवा दूंगा इधर बाजू में, आप सच सच बताइएगा। एक मिनट देखिए कविंद्र भाई, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, ये जो बार बार विदेश 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 चिल्ला रहे हैं, मैं इनको केवल इतना कहना चाहूंगा कि इन्हें अपने नेता के लिए स्वदेशी बहू भी नहीं मिली, बहू भी संजय त्यागी जी, संजय त्यागी जी क्या पर्सनली बातें करते हैं, ये क्या है? आप बजट में बताइए, बजट पर बात करिए। आप एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स में कमी कर रहे हो और दूसरी तरफ आप मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं कर रहे हो। आप टैक्स की बात कीजिए, ये फालतू की बातें मत कीजिए, नहीं फालतू बातें मत कीजिए, ये फालतू बातें अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाती कि मैं वर्चुअल रूप से आप दोनों को पानी पिला सकता तो दोनों को पानी पिलाता। एक मिनट रुकिए, अब मेरी बात सुनिए आप। संजय त्यागी साहब, मैंने आपसे पूछा कि बजट में गरीब लोगों के लिए क्या है, शोषितों के लिए क्या है, वंचितों के लिए क्या है, मिडिल क्लास के लिए क्या है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तो स्वदेशी बहू नहीं मिली, मतलब मजाक भी कम से कम तीन बार हंसेगा। 30 करोड़ की आवाज है राहुल गांधी, देश के लोगों की, देश के गरीब लोगों की, मध्यम वर्ग के लोगों की आवाज है राहुल गांधी। सवाल करोगे? अरे संजय गांधी, अरे देशी बहू नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, अरे अरे कम से कम अपनी छतरी को छोड़ के नहीं भागे राहुल गांधी। अरे भैया यहाँ फालतू बातें मत कीजिए, अरे डिबेट का क्या है ये भाई? अरे एक मिनट रुकिए, अरे बीवियों पर डिबेट नहीं हो रही है भाई, सबकी है, हमारी भी है, आपकी भी है, रुकिए एक मिनट, बीवियों पर डिबेट थोड़ी ना है, एक मिनट रुकिए। संजय त्यागी साहब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बजट में गरीबों को क्या मिला, आप कह रहे हैं उनकी शादी नहीं हुई, वो कह रहे हैं कि उनकी शादी, अरे भैया क्या कर रहे हैं आप, टीवी पर बैठे हुए हैं आप, क्या मतलब है? अरे ये वही बात हो गई, एक मिनट रुकिए वही बात हो गई। मेरे फरकाबाद के एक मित्र हैं, आप दोनों सुनिए, फरकाबाद के एक मित्र हैं, क्योंकि आपने बीवियों और पत्नियों का टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो मेरे फरकाबाद के एक मित्र हैं, एक दिन बोले कि गांधी जी तो बड़े बदतमीज आदमी हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो तुम्हारे भी झापड़ मारते। उन्होंने कहा काय भैया? मैंने कहा बदतमीज क्यों बोला, किसे छेड़ दिया तुम्हारे घर पे? तो कह रहे अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, हमारे घर पर किसी को नहीं छेड़ दिया, लेकिन उनकी फोटो चलती है ना उसे देखकर। हमने कहा 70 साल की उम्र में उनके साथ वो फोटो चलती है, तुम 17 साल की उम्र में नहीं ले पाए, समझे? तो आप छोड़िए, कैसी बातें कर रहे हैं संजय साहब आप और भूदेव साहब, आप इतना पढ़े लिखे राजनीति से जुड़े हुए लोग आज ये छींटाकशी करेंगे क्या हम? अरे मुझे नहीं मतलब है कि राहुल गांधी साहब की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, देश के किसी को मतलब नहीं। आप ये समझिए कासगंज के काशिफ को मतलब नहीं है कि राहुल गांधी की शादी हो रही कि नहीं हो रही है, आप इसको समझिए। वसेपुर के वसीम को मतलब नहीं है कि शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज को समझिए आप। आजमगढ़ के आदित्य को मतलब नहीं है कि शादी हो रही है कि नहीं हो रही, अब छोड़िए कहां जा रहे भाई। सवाल पूछा जा रहा है आपसे, जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब दीजिए। आप कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करते हो तो क्या आप मध्यम वर्गीय परिवारों को टैक्स में राहत नहीं दे सकते? चलिए ठीक है, दोनों लोगों को ऑडियो डाउन कर दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए बहस कहीं जा ही नहीं रही, मैं आपको बताता हूँ दोनों लोग जुड़े रहिए, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल होता क्या है, ये जो आम बजट है, इस आम बजट के सिर्फ तीन रूप हैं। पहला रूप ये है कि जो सरकार इसको पेश करती है उसके लिए प्रशंसनीय है, हमेशा 26 फरवरी 1950 से लेकर 2022 तक, आज तक ये प्रशंसनीय होता है जो सरकार इसको पेश करती है।
और जो विपक्ष में होते हैं उनके लिए सन 50 से लेकर 2022 तक निराशाजनक ही निराशाजनक है। और जनता के लिए कैसा होता है मैं बता, जनता के लिए होता है झेलनीय, एक के लिए प्रशंसनीय, एक के लिए निराशाजनक और तीसरे के लिए झेलनीय। और झेलनीय इसलिए है कि वो कुछ भी कर देंगे, जैसे उन्होंने आज चार्जर सस्ता कर दिया और विदेशी छाता महंगा कर दिया, तो विदेशी छाता अगर सस्ता हो जाता और चार्जर महंगा हो जाता तो भी कुछ नहीं करना, तो भी झेलनीय का झेलनीय ही था। और मिडिल क्लास की हालत यह है कि जब निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री जब बजट को पेश करती हैं तो अंग्रेजी में जो लाइनें धार धार वो बोलती हैं उनको सुनते सुनते मिडिल क्लास का व्यक्ति खुद हिप्नोटाइज हो जाता है, और अगर बीच में कहीं भारी भरकम गड़बड़ शब्द आ गया तो उसको जब तक गूगल करता है तब तक निर्मला जी आगे निकल जाती है। तो ये स्थिति है मिडिल क्लास की, जो आज जहां है वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, आज कल परसों नरसों तरसों, मंगलवार बुधवार सोमवार शुक्रवार हमेशा। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात, शुक्रिया। देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ।